लावण्या कह रही है वो भी चलाएगी अब इलेक्ट्रिक कार। दिस इज स्मॉल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और नहीं एक्चुअली 10। तो हमारे यहाँ पे सामने वाले भैया एक कार लेके आए हैं। इट्स अ वेरी टाइनी कार और सब में खलबली मच गई है। सो लेट्स चेक भैया की कार। ये दूसरी तीसरी गाड़ी होगी, ज्यादा तो है नहीं। दो तीन बस इसे छोड़ दो, वो पैर हटाओ, ये वाला पैर कैसे यूज करें उसको रख दो ऑटोमेटिक है ना, इधर साइड कर दो बस। अब ये हल्का सा क्लच करो और इसकी सीट, बट इट्स अ फुल फैमिली कार। तो ये मिस्टर बीन वाली कार लग रही है हमें। देखो पीछे होने का ये है। ओह माय गॉड गाइस, ऐसे ऐसा लग रहा है कावड़ ई रिक्शा में बैठे हैं। लावण्या कह रही है वो भी चलाएगी अब इलेक्ट्रिक कार। ये तो बड़ी छोटी है, जगह ही नहीं। अब आराम से आराम से। या गुड गुड, यहीं लगाओ, यहीं लगा दो। ओके नॉट बैड, नाइस। मजा आया चला के? यस। कैसी लगी? स्मूथ है? वेरी नाइस। ये है गाइस इसके गियर। तो दिस इज न्यूट्रल, रिवर्स करनी हो तो इधर और फ्रंट जाना हो तो इधर। दिस इज न्यूट्रल और ये इसके जगह भी नहीं है इसमें। ये इसके ये है, इसमें करो तो रेस and all of that and that's his brake बस, और कुछ नहीं है इसमें। एसी भी है, सब कुछ है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना इस कार में बैठ के, लाइक मेरा बचपन का सपना था मुझे मिस्टर बीन वाली कार में बैठना है, बट वो पूरा हो गया। एसी इतना फास्ट है देखो इसका, तो मजा आया इस कार को लेके। अगर आप कार लेना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। और गाइज ये ना पीछे से भी क्रेटा आ रही है, तो हम देखते हैं क्रेटा इसके सामने कितनी बड़ी लगती है। ये देखो क्रेटा इसके सामने कितनी बड़ी लग रही है। ये इलेक्ट्रिक कार है और एक बार चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर तक चलती है। एसी भी है इसमें, फोर सीटर कार है। वही मैं देख रहा, बड़ी छोटी है। और चार्ज कितनी देर में होती है? चार्ज लगभग 2.5-3 घंटे में फुल चार्ज लगती है और एक बार चार्ज करने में 150 रुपये करीब का बिजली का खर्च आता है बस। सही है। ये भी लगभग 10 साल पुरानी कार है। 10 साल पुरानी लग नहीं रही। टोटल फाइबर में है, बहुत बचा के चलाने वाली गाड़ी है। ये ऑटोमेटिक फैन चलेगा इसका, मतलब अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ जो भी अंदर टेम्परेचर ऑटोमेटिक है। ऐसा भी देखो ना, फैन चल रहा है, मैंने चाबी बंद कर रखी है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। अच्छा ये चलता रहेगा? चलता रहेगा, आवाज तो आ रही है। और अपने आप बंद हो जाएगा ये कहीं वो आप चार्जिंग पे लगा रखे हैं तो ये सब चीज वो कोई गियर नहीं लगा, आगे नहीं जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, कुछ नहीं, स्टार्ट नहीं होगी। ये सारा सिस्टम है इसमें। तो घर में चार्ज होती होगी? हाँ, कहीं भी लगा लो इसमें चार्जर का वो पॉइंट, मैंने गाड़ी में रख रखा, जहाँ डाउन होगा वहाँ लगा लो। किसी से भाई एक गिलास पानी मांग सकते तो भाई जरा सा इमरजेंसी हो जाए तो लगा लो, चला लो। तो गाइस उस गाड़ी की अभी हमें कॉस्ट पता चली है। पापा ने उनको पूछा ये लोग ले नहीं रहे क्या गाड़ी? ही सेड महंगी बहुत है। तो पापा ने कहा कितनी? कहते हैं 11 लाख। एंड वी वर लाइक 11 लाख, हमें तो धक्का, मतलब 11 लाख की ये गाड़ी, मतलब आई, मतलब हाँ फ्यूल एफिशिएंट है, काफ़ी कुछ है, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड फॉर 11 लाख, नॉट एट ऑल। लाइक 11 लाख इज ह्यूज।
ओके सो गाइस, रात के बज रहे हैं 10 और मयंक और मैं जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए. बहुत ज़्यादा हैक्टिक एंड गर्मी एंड ऑल ऑफ दैट हो गया था एंड आई डोंट नो हमें कैसे रैंडम थॉट आया, हमने सोचा निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए. लॉन्ग राइड के लिए एक्चुअली बुलेट में निकल जाते हैं. मयंक अभी आ रहा है और भाई हम गए हैं निकल. आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मौसम घर में तो बहुत गर्म लग रहा था बट अब जब जा रहे हैं इट्स लाइक वेरी नाइस. तो आई थिंक हमें ऐसे कभी कभी कर लेना चाहिए आप लोगों को भी. देखो भाई देहरादून की सड़कें बिल्कुल खाली हो चुकी है इस वक्त, बिल्कुल खाली भी नहीं. देख रहे हो भैया बहुत मजा आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है यार ऐसे घूमने में. हाँ गर्मी में ठंडा ठंडा मौसम, ट्रैफिक फ्री लेन, कुछ कुछ दुकानें खुली हैं बस जैसे आइसक्रीम वगैरह की. और पता है हम बचपन में ऐसे ही घूमते थे, देहरादून बिल्कुल ट्रैफिक फ्री होता था, ये लेन बिल्कुल ट्रैफिक फ्री होती थी, ऐसे क्लीन थी, ठंडी हवा. और ये देखो जैसे ही हम ग्रीनरी के पास आते हैं ठंडी हवा शुरू हो जाती है. तो भैया हम रस्ते में जा रहे थे, हमें एक भैया दिखे वो डंडा ऐसे ऐसे घुमा रहे थे बिल्कुल लाइक कराटे शाओलिन चॉम्पर स्टाइल. अब हम नहीं डर पा रहे हो, भी की थे. कोई बात नहीं भैया, आप जहाँ भी हो अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना हमें. पता है बचपन में ना हम ऐसे ही, मतलब हम ऐसे ही देहरादून में बड़े हुए हैं, ट्रैफिक फ्री, कोई टेंशन नहीं किसी को, मतलब सब घूम रहे होते थे लाइक मस्त लाइफ, सबके सब जी रहे होते थे. देहरादून के लोगों के बारे में पता होगा सब भाई, वी डोंट वरी. तो वही भैया हमें दोबारा मिल गए हैं, वो खड़े हैं वो एंड हम उनके पास जा रहे हैं और आपको हमें दिखाएंगे लाइक ही वाज अबाउट टू शोकेस हिज टैलेंट. हो रहे वो चाय पी रहे हो. वेरी नाइस अंकल, बढ़िया सर. हां जी ऐसे पंजाबी बनते हैं, पंजाबी बनते हैं, फट जाते हैं. थैंक यू. भैया ने एक बात बहुत अच्छी थी, ही वाज वेरी प्राउड अबाउट बीइंग पंजाबी. भाई घंटा घर आ चुका है साडा कैंचाकर, मेरे बैग में आपको दिख रहा होगा. तो ये आ चुका है हमारा देहरादून का बहुत ही फेमस एसले हॉल, जहाँ पे कि मिलेगा आपको पीछे बुफे का बर्गर एंड इफ यू गॉट सम मोर मनी आप मैकडॉनल्ड्स भी जा सकते हो. स्ट्रीट चेक करें गाइस. ये हमारी देहरादून की स्ट्रीट, वर्ल्ड फेमस राजपुर रोड, अबाउट टू गो टू राजपुर रोड एंड दिस इज आर वेरी फेमस एसले हॉल. बचपन में पता है हम यहाँ पे आते थे और न्यू ईयर्स में हम बहुत, अभी भी भीड़ होती है बट बचपन में हमारा रिचुअल होता था, हम हर न्यू ईयर और क्रिसमस में ना मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम और बर्गर और हैप्पी मील खाने आते थे. ये आ गया मयंक का स्कूल सिंधु अकेडमी. बचपन एक्सपीरियंस कर लिया जाए, आज राजपुर रोड पर ड्राइव के लिए जाते हैं और मजा आ रहा है मुझे तो बहुत ड्राइव में. आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो, मैं एनी टाइम एनी डे. ये आ गया अब हमारा दिलाराम चौक.
चौक की एक खास बात और है, यहाँ पे एक बार मैंने एक्सीडेंट होते होते बचाया था। एक लड़की थी, वो सीधा सीधा स्कूटी में जा रही थी और उसकी जो पीछे वाली लड़की थी, आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग, उसने हल्की सी ब्रेक लगाई और वो पूरी नीचे आ गई। बट थैंक गॉड मुझे लग रहा था कि वो नीचे गिरेगी, आई डोंट नो वो फेंट हुई या क्या हुई, वो नीचे गिरेगी मुझे पता था। वो एकदम से यूं हुई और आई जस्ट गॉट हर बैक, दिलाराम जा गए हम। कबाब किंग और ये लेमन चिलीज, ये यहाँ के ऐसे रेस्टोरेंट गाइस जो हाईवे पे नहीं होते, वो ढाबा टाइप के आप हमेशा खुले रहते हैं और वहाँ पे हमेशा वो रोस्टिंग चिकन की चलती रहती है, पनीर की, ये वो वाला एरिया है यहाँ का। और ये आ गया हमारा देहरादून का वर्ल्ड फेमस मधुबन होटल। तो सबके साथ मतलब अगर एलीट क्लास का एक्सपीरियंस करना होता तो लग्जरी एक्सपीरियंस करनी होती तो एवरीवन गोज टू लाइक मधुबन में जाएंगे। किसी के पास ज़्यादा पैसे आ जाते थे, किसी के प्लॉट बिक जाते थे, देहरादून में तो यही होता था, तो सबको यही आता था। अभी भी चेतक थिएटर में घूमते हैं वो, कोचर जी नाम है उनका। PVR आ गया हमारा, बड़ा ही प्यारा PVR। और ये प्यूमा का जो यहाँ पे स्टोर है ना, कोई भी अगर देहरादून आए, यहाँ पे जो प्यूमा का स्टोर है यहाँ हमेशा डिस्काउंट होता है, हमेशा, एवरी टाइम। इफ यू वांट लाइक गुड ओरिजिनल प्यूमा स्टफ एंड यू वांट गुड प्राइसेस, कम हियर। और अब हम आने वाले हैं हमारी फेमस रोड, द वर्ल्ड फेमस राजपुरा रोड। पीपल ऑफन कॉल इट राजपुरा रोड, बट इट्स नॉट राजपुरा रोड, इट्स राजपुर रोड। और देखो ठंडी ठंडी हवा शुरू हो गई है, इससे पता लगता है देहरादून अभी भी देहरादून है। ये हमारा कालसंग आ गया। जब मैं कल फर्स्ट टाइम मिले थे यहाँ आग लग गई थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी खाली दिखी है, जब एक दो कार जा रही है हम जा रहे हैं और बस ये वापस आने वाले लोग और एक दो बस। ये आ गया हमारा फेयरफील्ड मंदिर। हमारा इसलिए बिकॉज आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे हियर, और उसकी भी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सी। गाइस यहाँ पे ना हल्दीराम खुलने वाला है और हम तो बहुत ही जोर शोर से वेट कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड का पहला हल्दीराम होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे होगा, शायद खुल ना गया हो, खुल गया क्या? अच्छा नहीं, डोमिनोज़ ओके, ये यहाँ पे खुलेगा, कमिंग हल्दीराम। हल्दीराम इज वेटिंग फॉर यू। गाइज हम आ चुके हैं दिस व्यू पॉइंट, ये आपको दिखेगा देहरादून के टोल से थोड़ा सा आगे। तो भाई ये है देहरादून का व्यू पॉइंट और ये पूरी की पूरी हमारी सिटी है, सिटी ऑफ लव देहरादून। और यहाँ ये आपको पॉइंट दिख जाएगा जो मसूरी और देहरादून के बीच में टोल है, उससे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको और साइड में आपको ये दिखेगा। व्यू पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, बट यू हैव टू climb the highest mountain for the greatest view. How beautiful it is. Dehradun, tumhe koi haq nahi banta ki tum itte khoobsurat dikho.
नॉट फेयर। तो गाइज हम आ गए हैं लैम्प लाइट के कैफे। इट्स वेरी प्रिटी और ये रोड से तो इतना प्यारा व्यू है ना इसका, लाइक दीज ट्रीज आर लुकिंग लाइक एनीथिंग। चलो अब देखते हैं फिर यहाँ का खाना कैसा होता है, मतलब खाएंगे तो हम कुछ नहीं, खाना खा के ही आए थे डिनर करके। तो गाइज हम आ चुके हैं वापस अपने घर, रात के बज रहे हैं 12:30। हम जब ऊपर पहुँचे 40 मिनट की दूरी पे, आई वाज लाइक जैकेट लानी चाहिए थी यार, इतनी ठंड थी लाइक लिटरली। और बस होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद लव, स्प्रेड लव एंड बी विद लव। I'm gonna go get some more.